दोस्तों, मैं हूँ ऐश्वर्या। मैं कक्षा 7A विभाग में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बहुत स्वादिष्ट रेसिपी बनाकर दिखाने वाली हूँ। चलिए अब हम उस स्वादिष्ट रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं बहुत स्वादिष्ट वेज रोल, या फिर इसको फ्रैंकी भी कहा जाता है, तो हम अभी शुरू करते हैं। पहले उसके लिए हमको सब्जियाँ काटनी पड़ेगी। तो सब्जियों में मैं कैप्सिकम ले रही हूँ, शिमला मिर्च और अनियन, प्याज। पहले इसको धोकर हम काटेंगे। इधर मैंने प्याज और शिमला मिर्च को धोकर लंबा लंबा काट लिया है। अब हम पनीर को भी काट लेते हैं। छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इस वेज रोल्स या फिर फ्रैंकी को तैयार करने के लिए मैं नमक, मिर्च, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और ये सब्जियाँ, पनीर और रेड चिली सॉस, मायोनीज, टोमेटो की सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं एक पैन को गैस पर गरम होने के लिए रख रही हूँ। अभी ये पैन गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। उसके बाद मैं उसमें लंबी कटी हुई प्याज भी डाल रही हूँ। प्याज को भूनने के बाद हमें इसमें शिमला मिर्च डालकर इसको भी भूनना होगा। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हम इसमें धनिया का पाउडर भी डालेंगे। और उसके बाद गरम मसाला भी डालेंगे और हल्दी भी डालेंगे। इन सब्जियों के साथ इन मसालों को अच्छे से भूनना होगा। फिर हम अभी इसमें पनीर के टुकड़े भी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें टोमेटो केचप भी डालेंगे। ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें रेड चिली सॉस भी डालूंगी। अभी मैं इसके अंदर 3 चम्मच मायोनीज डाल रही हूँ। अब हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिला रहे हैं और अब हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो इधर हमारी चपाती भी बन गई है और इधर हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो हम सारी चीजों को लगा लेंगे। पहले मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ चपाती के ऊपर। और आप चाहो तो इधर एक टूथपिक भी लगा सकते हैं। हमारी वेज रोल या फिर फ्रैंकी तैयार हो चुकी है। हम ऐसे ही इस दूसरी चपाती को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी फ्रैंकी या फिर रोल बनकर तैयार हो गई है। तो हम अब इसको टेस्ट करते हैं। स्वादिष्ट बने हैं। आप भी जरूर इसको आपके घर पर बनाएं। धन्यवाद।